स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में। मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी की सीरीज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 पर, वीडियो नंबर है 4। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि 12 थोड़ा सा बड़ा था लिखने में तो पहले लिख दिया गया इसको। तो देखिए क्या है, एक विलेजर है इतवारी नाम का, जिसके पास कुछ लैंड है क्वाड्रिलेटरल शेप में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत ने कहा कि कुछ भूमि आप अपनी दीजिए मुझे, मैं उसमें हेल्थ सेंटर बनाऊंगा। तो इतवारी मान तो गया, लेकिन उसने कहा कि मेरे लैंड के बगल में मुझे कुछ पार्ट ऐसा दीजिए कि मेरा जो पहले शेप था क्वाड्रिलेटरल का वो ट्रायंगुलर हो जाए, और बराबर लैंड मुझे चाहिए, बराबर आप लीजिए, बराबर दीजिए, तो कुछ ऐसा है। तो कैसे प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक हम लोग बना लेते हैं लैंड इसका। तो ये है ए बी सी और डी, ठीक है, ये इस शेप में है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम नहीं बनाया हुआ, जानबूझ के ट्रेपेजियम नहीं बना है, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहता है, सबसे पहले तो इस लाइन को इससे मिला देते हैं, डायगोनल मिला दिया मैंने इससे। अच्छा, अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें दूसरा कलर का पेन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ किया इसके पैरेलल एक लाइन। अब क्या करना है, इस सी डी को इससे मिला दिया, ठीक है, और फिर क्या किया, ये जहां पे कटा है उसका नाम दे दिया ओ, और इस ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया किससे, बी से। अब यहां पे आप चीज समझिए जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये है, पहले उसका शेप था ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। अब उसका शेप हो जाएगा ओ सी बी, ट्रायंगल बन जाएगा अब वो। तो कितना पार्ट निकला और कितना पार्ट जुड़ा, तो उसके लैंड में से ये पार्ट निकला है, ये वाला, ये इसका नाम दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं। ये चला गया किसमें, हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर में, ठीक है। और हेल्थ सेंटर में जाने के बाद ही ये पार्ट उसको नया मिला, न्यू पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एरिया बराबर होगा तो आप काम हो जाएगा, अगर एरिया बराबर नहीं प्रूफ होगा तो दिक्कत होगी। इसके साथ ही साथ ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट, क्योंकि पहले भी इसका नहीं था, पहले भी नहीं था ना, ए बी सी डी ये पार्ट नहीं आ रहा ना, और जो अब बनेगा ओ बी सी उसमें भी ये पार्ट नहीं आ रहा ना, तो ये पार्ट कहीं नहीं था, बस ये बनाया गया है अभी। इसको बाद में अभी दिखाएंगे कि कैसे ये हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज, हमको एक बात पता है कि बी डी पैरेलल टू ए ओ बनाया गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया था बी डी पैरेलल टू ए ओ, ठीक है, बी डी पैरेलल टू ए ओ है। तो अगर बी डी पैरेलल टू ए ओ है तो यहां पे देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये सेम पैरेलल पे, सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल क्या होते हैं, एरिया बराबर होता है, बात पता है ना हमको। तो यहां से एक बात समझ में आती है, वो बात है क्या, एरिया ऑफ ओ डी बी, ओ डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए बी, डी ए बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान सी चीज है। कैसे, क्योंकि देखो ये सेम पैरेलल्स के बीच में है दोनों ट्रायंगल, और सेम बेस पर भी बना है, यही सेम बेस भी है डी बी, तो डी बी के ऊपर बना है ओ डी बी और डी बी के ऊपर बना है ए डी बी, ठीक है। अब यहां से देखो, इन दोनों पार्ट्स में से हम ये पार्ट को हटाते हैं, ये पार्ट को, इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहां से अगर इस पार्ट को ओ डी बी में से ये पार्ट घटा देंगे तो ये बचेगा नया पार्ट, और ए डी बी में से ये पार्ट घटा देंगे तो बचेगा ये हेल्थ केयर सेंटर वाला पार्ट, और दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर यहां से प्रूफ हो सकता है। तो यहां से माइनस हमको करना है, क्या करना है, करना है एक्स डी बी, माइनस एक्स डी बी, और यहां से भी क्या माइनस करना है, एक्स डी बी।
अब देखिए यहाँ पे जो समझाना चाहते हैं क्या हो जाएगा, ओ डी बी, ओ डी बी में से एक्स डी बी को घटाओ, और उधर क्या था, डी ए बी में से भी एक्स डी बी को घटाओ, तो क्या मिलेगा, ओ डी बी में से एक्स डी बी माइनस हो गया, बचा क्या, बचा है ओ एक्स डी का एरिया, इधर डी ए बी में से, डी ए बी में से डी एक्स बी घट गया, तो क्या बचा, ए एक्स बी, एरिया ऑफ ए एक्स बी। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हेल्थ केयर का जो एरिया है, हेल्थ सेंटर का जो एरिया है, वो उसके न्यू प्लॉट के एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से उसको ट्रायंगल भी मिल गया और यहाँ से वो हेल्थ सेंटर के लिए ज़मीन भी मिल गई, तो ये ऐसे इसको इम्प्लीमेंट हमको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो उसको न्यू लैंड जो उसका फॉर्म हो जाएगा इतवारी का, वो हो जाएगा ट्रायंगल ओबीसी, ठीक है। और जो हेल्थ केयर सेंटर में जो जमीन जाने वाली है वो है ए एक्स ए बी, ये हेल्थ केयर सेंटर में जाएगा और नया प्लॉट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे लैंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी नीड के हिसाब से बराबर है, लेकिन उसकी नीड के हिसाब से बना दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन के दोनों इसके प्रूविंग है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या कहता है, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागॉन, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागॉन, लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ए सी के पैरेलल एक लाइन हमने खींची ये वाली, ठीक है, तो वो मिलता है एफ पर, तो शो करना है ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी और ए एफ सी बराबर होंगे, क्या कुछ क्वेश्चन ही नहीं है यार, ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो सेम पैरेलल्स के बीच में सेम बेस के ऊपर ही तो बने हैं दोनों, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर हमको दिया है ए सी पैरेलल टू बी एफ, अगर ये पैरेलल दिया है, तो दिया तो है ना पैरेलल, तो अगर पैरेलल दिया है तो ए सी एफ का एरिया इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और हमको यही प्रूफ करना था। देखिए कितना आसानी से हो गया, बिल्कुल सेम लाइन, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और सेम बेस पर बने हैं, तो बराबर तो होगा ही। अब इसमें देखो क्या है, इस पार्ट को अगर आप जोड़ देंगे ना, तो ये दोनों अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इस पार्ट को जोड़िए इसमें, तो इस इक्वेशन में मैं जोड़ता हूँ ए ई सी डी, और इस इक्वेशन में भी जोड़ता हूँ ए ई सी डी, अब देखिए क्या बना, ए सी एफ प्लस ए ई सी डी, उधर ए बी सी प्लस ए ई सी डी जोड़ दिया ना, अब देखिए यहां से क्या बनता है, ए सी एफ ढूंढो, ए सी एफ मतलब ये वाले में ये पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए एफ डी ई, ए एफ डी ई, ए एफ डी ई, ठीक है, उधर यह ए बी सी, इसमें ये पूरा जोड़ो तो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और देखिए यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, तैयार हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, तो बना लेते हैं पहले ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम को, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, उसके बाद अ लाइन पैरेलल टू ए सी, पहले ए सी को ज्वाइन कर लो, और ए सी के पैरेलल एक लाइन है, अब वो इधर है कि इधर है, ए बी एट एक्स और बी सी एट वाई, तो वो इधर है, ये एक्स है ये वाई है, अब उसके बाद प्रूफ करना है अपने को, ए डी एक्स इज इक्वल टू ए सी वाई, ठीक है। तो अब इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन जरूरी है, और वो जरूरी कौन सा है, इन दोनों को मिला दिया जाए, किसको किसको, सी एक्स को, ठीक है, सी एक्स को मिलाया। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें समझ में आती हैं, सिर्फ इतना पार्ट देखिए, ये इतना,
इतना पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज मिलने वाली है हम लोग को, AXCD, बस इतना देखना है। ये भी एक ट्रेपेजियम ही है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो यहाँ पे हमको एक चीज ये पता है कि AX जो है वो पैरेलल है CD के, है ना, ये तो गिवन है, AX पैरेलल टू CD। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, क्या एक चीज समझ में आ रही है, AXD का एरिया, AXD का एरिया AXC के एरिया के बराबर है, AXC के एरिया के बराबर है। ये बात तो ठीक है, मतलब ADX इज इक्वल टू ACX, ठीक, एक चीज ठीक है। अब इन इन पैरेलल लाइंस के बीच में देखिए, अगर XY पैरेलल टू AC है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां पे AXC जो है, AXC जो है वो किसके बराबर है, देखिए फिर से, AXC किसके बराबर है, यह है AYC के बराबर, AYC के बराबर, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन, इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू। यहां से देखिए, AXD ACX के बराबर और ACX AYC के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए या नहीं हो गए फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू। अगर हम इक्वेशन वन एंड टू को कंबाइन करते हैं तो यहां से एक चीज हमें मिलती है, और वो चीज क्या है, एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाई सी या ए सी वाई, जो कि हमको प्रूफ करना था वही आ गया। तो दो लाइन का है ये कॉन्सेप्ट, कुछ है नहीं। फिर से देख लीजिए, इस पूरे में AXCD में AXD और AXC इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि सेम पैरेलल और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद में इधर देखिए, इधर AXC और AYC एरिया बराबर होगा, क्योंकि सेम पैरेलल और सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन साफ साफ ये बयां करती है कि AXD या ADX, AYC या ACY के एरिया के बराबर होगा। तो इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि है पार्ट फिफ्थ में, तो उसके लिए एक दिन का समय आपको लगेगा। तो आशा करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको समझ में आ रहा है करिए। और आप मेरे चैनल को अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं पढ़ाते हुए, तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए। तो मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।